और उसमें रमण करते हैं। नतेषु रमन्ति बुद्धा, तो हम बुद्धिमान नहीं है। जब तक मनुष्य क्षणिक सुखों को चाहता है, चाहना का मतलब उनमें रमण करना, इच्छा करना, तब तक वो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है। चाहे वो कितना पढ़ा लिखा है, विरक्त है, क्षणिक सुखों की चाह उसके मन में है, सवेरे यही प्रसंग चला था। हमने कहा कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो ठीक है। दत्तात्रेय ने कहा है, हमने वेश्या को गुरु बनाया, एक पाठ सीखा, आशा ही परम दुख, नैराश्य परम सुख। आशा परम दुख है, निराशा परम सुख। जैसे पिंगला वेश्या आशा में सारी रात जाती रही कि अब आएगा, अब आएगा हमारा प्रेमी, खिड़की खोल के जाती रही, सारी रात बीत गई। सवेरे जब निराश हो गई तो गिर पड़ी और सो गई। ये देख रहे थे भाई, उसकी कोठी के नीचे रुके हुए थे, खिड़की में से दिखाई पड़ रहा था सब। जब तक आशा थी बार बार आती थी, दरवाजा खोलती थी, आया कि नहीं आया। जब निराश हो गई दरवाजा बंद करके सो गई, सब चिंता दुख मिट गया। जब तक जीव के अंदर आशाएं हैं, वो दुखी रहेगा, उसको ब्रह्मा भी सुख नहीं दे सकता। इसलिए कहा गया जब लगी मन में कामना, जब गुरु जोगी दास, जब हमारे मन में कामना है तो हम गुरु नहीं है, दास हैं संसार के। पैसे वाले को देखा, आया पैसा देगा, सम्मान देगा, भोग देगा, क्योंकि कामनाएं मन में घुसी हुई। जगत के मन में कामना, जब गुरु योगी दास, और जब नहीं मन में कामना तो उल्टा हो गया, योगी गुरु जगदास, कामना हटी और वो गुरु बन गया।
कामना थी तो गुरु नहीं था, दास था। कामना मनुष्य को मनुष्य निर्गुणता बना देती है। संतुष्ट केन वाराजन न बढ़ते आपकी बारिना औपस्थ जैविक अर्पण्या गृह पालाय तेजना। सातवें स्कंद में नारद जी ने कहा है कि मनुष्य की शक्ल तो रहती है मनुष्य, और असंतोष आया गृहपाल कहते हैं तो कुत्ता बन जाता है। पढ़ा हो लिखा हो, पुरुष हो स्त्री हो, वो मनुष्य नहीं है। गृहपालाय तेजना, एक क्षण कुत्ता या कुटिया बन जाती है। इसलिए भगवान की कृपा यही समझनी चाहिए कि हमारे अंदर नकाम कर्म बीजा नाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेव सभी भागवतो उत्तमः। भक्त कौन है जिसके अंदर कामनाएं नहीं है? कामनाएं हैं तो भक्त नहीं है। उदास है कामनाओं का। हमारे पास बहुत से लोग आए हैं और सत्संग किया, उन्होंने बड़ा उनका प्रभाव था। हम भी कहते थे कि तुम दुनिया में एक दिन नामी आदमी बनाओगे, बड़ा ऊंचा लंबा शरीर, अच्छा चेहरा, अच्छा बोलना। लेकिन आज को देख करके लगता है कि कितने गरीब हैं, कामनाओं ने इनको क्या बना दिया। हम सोचते थे कि विश्व के प्रसिद्ध आदमी बनेंगे, निकृष्ट बन गए। कामनाओं ने बना दिया। कामनाएं झूठ नहीं बनी। और कामनाएं इतनी ज्यादा हैं, लोग अब भी सोचते हैं वो लेकिन सोचते हैं तो ऊंचे बन नहीं सकते, रास्ता गलत आ गया। रास्ता कामनाओं को छोड़ने को होना चाहिए, कामनाओं को पकड़ने का रास्ता नहीं। इसलिए हम हमारी भेद दृष्टि में कृष्ण कभी नहीं आए जब तक कामनाएं तो खास मंदिर में सबसे बड़ी हेड पुजारी बन जाओ लेकिन भगवान से दूर रहो, प्रसाद उसी के लोगों जो भेंट चढ़ाने वाला होगा।
किसी गरीब को नहीं दोगे, भक्त को नहीं दोगे, किसी ने क्या भेंट किया, इसलिए भगवान तुम्हारे हृदय में नहीं आएंगे। भगवान तभी आएंगे जब 11वें स्कंद में लिखा है, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः। कामनाओं और कामनाओं के कर्म, इनकी संभावना ही नहीं है, तो वो सभी भागवतोत्तम वो भक्त है उत्तम, और बाकी हम जैसे लोग घूम रहे हैं लड़ू पदार्थ पेड़ा दास भगवान से दूर है। जय श्री।